हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब? बिल्कुल मस्त। तो देखो, आप सभी की तैयारी बहुत शानदार वाली चल रही है, और जैसा कि थंबनेल के ऊपर लगा हुआ है, आज की हम डिस्कस करेंगे कि पेपर लेवल कैसा आएगा, अब किस तरीके से पढ़ें जिससे कि हमारा जरफ हो जाए, हम क्या क्या पढ़ें, सारा का सारा हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा सिलेबस देखो एक तरीके से कवर हो चुका है, केवल हाई एजुकेशन बचा हुआ है जो हम एक दो दिन में कल से स्टार्ट करके और 5-7 दिन का छोटा सा टॉपिक है उसको कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, देखो आज हम बातें करेंगे पेपर के ऊपर कि हम जरब कैसे निकालें। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमारा नेट निकालना कोई फोकस नहीं है, हमें नेट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें जरब चाहिए। इसलिए हम जर्फ निकालने का पूरा पूरा प्लान बनाते हैं, और हम जर्फ निकालने के लिए पढ़ते हैं, और जर्फ निकालने के लिए हम पढ़ने के लिए कहते हैं, और जर्फ निकालने के लिए हम पढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि नेट निकालने से कोई मतलब नहीं होता, मजा तब आता है जब जर्फ हो, और उसमें भी मजा तब आए जब आपके मार्क्स इतने शानदार वाले आए कि जब आप कभी देखो ना, जब आप बिल्कुल डिमोटिवेट हो रहे हो, आपके ऊपर दुखों का बहुत बड़ा पहाड़ आ गया और आप बहुत बुरी सिचुएशन में हो, और जब आपको याद आए कि यार एक टाइम था जब मेरा जरफ हुआ था, उस टाइम मेरे 100% नंबर आए थे, मतलब ओवरऑल पहली रैंक आई थी। कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जब आप बहुत बड़े दुख में जब ये बात सोचोगे ना कि मेरे 100% नंबर आए थे, मेरे ऐसे नंबर आए थे, भाई साहब वो दुख तुरंत हट जाएगा और चेहरे के ऊपर एक खुशी और एक मोटिवेशन आ जाएगा। ठीक है, तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे तो वो आपको यहीं पर नहीं, आपके फ्यूचर में भी काम आएगा। जब आप बहुत डिमोटिवेट होंगे, आप बहुत टेंशन में होंगे, तब भी आपको वो काम आएगा। कहीं कोई बात हो रही हो, आप अपना स्कोर दिखाओ, भाई चुप रह, तू देख मेरा स्कोर देख, पहली रैंक थी, 100% मार्क्स थे मेरे, किसी की हिम्मत नहीं है जो आपके सामने कुछ बोल जाएगा। ठीक है, तो हमें इस तरीके के नंबर लेके आने, कि आप खुद भी बैठे बैठे सोचते रहो ना यार, अजय आप खुद सोचो, पड़े हुए बेड के ऊपर सोच रहे हो यार मैं हूं क्या चीज, मैं एक नंबर पहली रैंक लेके आया, मैं सबसे ज्यादा नंबर लेके आया, मैं यार मैं किस तरीके से पढ़ता हूं, मैं कैसे पढ़ता हूं, मैं क्या चीज हूं, ये आप खुद अपने बारे में सोचो। और ये कब सोचोगे, जब आपका स्कोर बहुत अच्छे वाला होगा। देखो शरीर में कपकपाहट दो सिचुएशन में होती है, जब दुख होता है तो भी शरीर में कपकपाहट होती है, और जब बहुत अच्छा स्कोर आता है तब भी कपकपाहट होती है। तो जब आप अपना स्कोर देखो कि यार मेरा स्कोर देख कितना शानदार है, तुरंत कपकपाहट आ जाए, यार देख मैं यार कितना पढ़ता था, यार मैं कैसे पढ़ता था, ये सवाल बने आपके शरीर में, आपके मन में। ठीक है, इस तरीके का पढ़ना है, इस जबरदस्त तरीके वाला। ठीक है, तो देखो कोई भी एग्जाम निकालो, सबसे पहले तो एक टारगेट ले लो, जैसे आप जर्फ का टारगेट ले लो कि भाई साहब चाहे मर जाएं लेकिन जर्फ निकालेंगे। पहले तो ये टारगेट अपने मन में सेट कर लो कि भाई साहब मेरे को जर्फ चाहिए। दूसरी बात आप दिमाग में सेट कर लो, मेरे को ज्यादा साल नहीं पढ़ना, बार बार नहीं पढ़ना, केवल अब की बार पढ़ना है, इसी बार पढ़ना है और जर्फ निकालना है। देखो आपको जर्फ निकालना है, आपका टारगेट है, तो इसके लिए जायज सी बात है आपको खुद को पढ़ना है। ऐसे तो है नहीं कि आपका आपको जर्फ निकालना है और आपका भाई पढ़ेगा, आपकी मम्मी पढ़ेगी, आपके पापा पढ़ेंगे, नहीं, ना मैं पढ़ सकता, ना आपका कोई पेरेंट्स पढ़ सकता, केवल आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या चाहते हो, कि आप केवल 6 महीने मेहनत करो, या आप चाहते हो कि मैं 2 साल तक मेहनत करूं, उसमें घर वालों के घोंसड़े, पढ़ता तो है नहीं, पेपर कहां से पास होगा। तो आप खुद सोचो कि मेरे को 6 महीने पढ़ना है या 2 साल पढ़ना है, क्योंकि जेआरएफ मात्र 6 महीने के पढ़ने से हो जाता है। आप 6 महीने नॉर्मल तरीके से पढ़ोगे ना तो भी जेआरएफ अच्छे से निकाल दोगे, और 6 महीने आप थोड़ा सा सीरियस होके पढ़ लोगे ना, तो भाई साहब रियल बता रहा हूं, आप बहुत अच्छी रैंक लेके आओगे, हो सकता है अंडर 10 आ जाओगे आप। 6 महीने का खेल है जेआरएफ निकालना, तो आपके खुद के ऊपर है, पढ़ना आपको खुद को है, आज पढ़ो और चाहे 10 साल बाद पढ़ो, जर्फ निकालना है तो बुक आपको ही रटनी पड़ेगी, चाहे आज रटो, चाहे 2 साल बाद रटो, चाहे 10 साल बाद रटो।
ठीक है। तो भाई साहब क्यों लंबे टाइम तक पढ़ते हो, हटाओ झंझट इन अरिहंत को, केवीएस मदान को, जो भी आप इसके लिए पढ़ रहे हो हटाओ जल्दी सिस्टम इनका। बार बार नहीं पढ़ना, ज्यादा बार नहीं पढ़ना, केवल एक बार पढ़ना है, केवल 6 महीने मेहनत करनी है, नहीं करनी 2 साल मेहनत है। क्यों? क्योंकि लाइफ का एंजॉय भी करना है भाई साहब, पढ़ने के लिए नहीं आए कि चलो हम गधे की तरह लगे रहेंगे पढ़ने के, लोग मजे लेते रहेंगे लाइफ के। नहीं भाई, हमें भी लाइफ के मजे लेने हैं। जेरफ निकाल के फेलोशिप लेनी है, पीएचडी करनी है, फिर गर्लफ्रेंड बनाना है, बॉयफ्रेंड बनाना है, मस्त तरीके से लाइफ एंजॉय करना है, एक बढ़िया बाइक लेके आनी है, एक अच्छी फोर व्हीलर लेके आनी है, खुद की रेपुटेशन बनानी है। और ये जब रेपुटेशन आपकी 23 साल की एज में बन जाए, मजा ही अलग आएगा। और जब ये रेपुटेशन आपकी 28 साल की एज में बनेगी ना भाई साहब, कोई नहीं पूछेगा आपको, आप बताओगे ना कि मेरा जेरफ है, वो पूछेगा कितनी एज है, 28, वो खुद ही बोल देगा आपको कि यार बहुत लंबे टाइम तक तैयारी की है तूने यार, हो जाता है यार इतना साल पढ़ते हो तब। और जब आप 23 साल की एज में जेआरएफ निकाल के जाओगे पीएचडी करने के लिए, कोई पूछेगा कि भाई तू तो एज में भी कम एज का लगता है, आप बोलोगे जी सर मैं 23 साल का हूँ, वो बोलेगा वाह यार बहुत जबरदस्त प्रोग्रेस की तूने तो यार, हम तो 28 साल तक की एज में नेट नहीं निकाल पाए थे, तूने तो जेआरएफ निकाल लिया, वाह यार बहुत तगड़ी प्रोग्रेस की, हमें पता यार कैसे पढ़ा था तू। तो इस तरीके का करो, केवल 6 महीने पढ़ना है, हमें ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं पढ़ना है, लाइफ का एंजॉय करना है, ठीक है। अब बात आती है कैसे पढ़ना है। देखो कैसे पढ़ने का एक सबसे सिंपल सा फंडा है, जबरदस्त तरीके से पढ़ना है। कोई मेरे से पूछता है कि सर मैं कैसे पढ़ूं, तो मैं तो भाई साहब एक शब्द में बोलता हूं, भाई जबरदस्त तरीके से पढ़, इसके अलावा कैसे पढ़ूं इसका कोई ऑप्शन नहीं है। जो बेस्ट कंटेंट है, सबसे पहले आप प्लानिंग बनाओ कि हमें ये बुक पढ़नी है, ऐसे नहीं कि पेपर से 10 दिन पहले कोई बुक पढ़ रहे हो, 20 दिन पहले कोई बुक पढ़ रहे हो, 30 दिन पहले कोई बुक, नहीं, एक पहले शेड्यूल बना लो, एक फिक्स प्लानिंग कर लो कि मेरे को अब 2 महीने बचे हुए, इसमें ये बुक कंप्लीट करना है, ठीक है। और उन 2 बुकों को इतना जबरदस्त तरीके से पढ़ो कि कोई ऊपर की लाइन बोले ना तो नीचे की लाइन आप बता दो कि यार इस लाइन के नीचे ये लाइन है, इसके नीचे ये लाइन है, हो सकता है ये लाइन इस पेज में हो, इस तरीके से पढ़ो, ठीक है, जबरदस्त तरीके से पढ़ो, जितना पढ़ा चाहे उतना पढ़ो, ठीक है। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करो। उसके बाद पेपर लेवल के ऊपर बात करें, देखो जो नेट का सिलेबस है बहुत पहले से वही चला रहा है, आज भी वही है, टॉपिक बिल्कुल सेम है, 2010 में भी वही टॉपिक थे और आज 2021 में भी वही टॉपिक है, लेकिन जो 2010 का पेपर लेवल था और आज का जो पेपर लेवल है, दोनों में दिन रात से भी ज्यादा का अंतर हो गया। जैसे हम यदि 90 डिग्री अक्षांश पर रात की बात करें और यदि हम 0 डिग्री अक्षांश पर दिन की या रात की बात करें, दोनों में जितना अंतर है ना, जो दिख नहीं सकता, ध्रुव हम दिख नहीं रहे, विषुवत रेखा पे खड़े होके हम देखेंगे ध्रुव को नहीं दिखेंगे, क्यों? क्योंकि बहुत दूर है, बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल वैसा ही अंतर किसमें है, 2010 के और 2021 के पेपर लेवल में है। अब क्यों है ये अंतर? अरे भाई साहब आप नहीं पढ़ रहे लेकिन लोग पढ़ रहे हैं। जेआरएफ मात्र 5,000 के आसपास का निकलता है, जिसमें से 2,000 कैंडिडेट कम से कम बता रहा हूं मैं, बाकी 3,000 ही मानो, 3,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जेआरएफ रिपीट हो रहा है, 3,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका दूसरी तीसरी चौथी बार जेआरएफ है, नए कैंडिडेट तो 2,000 ही होंगे जिनका जेआरएफ हो रहा है, ठीक है। तो लोग 5,000 जेआरएफ हो रहा है, 5,000 कैंडिडेट छोड़ो, 10,000 तो ऐसे हैं जो बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ते हैं, बहुत धुआंधार तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। तो पेपर लेवल तो अपने आप डिफिकल्ट आता जाएगा भाई साहब, लोग मेहनत कर रहे हैं। आज 2010 का मैं पेपर दूं तो यहां पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो मात्र 20 मिनट में पेपर सोल्व कर देंगे सारा का सारा सही, ठीक है। तो पेपर लेवल अपने आप ही डिफिकल्ट होता जाएगा, क्यों? क्योंकि टॉपिक तो सेम है, अब पेपर को डिफिकल्ट कैसे बनाए इसके लिए पेपर लेवल को ही डिफिकल्ट करना पड़ता है। और अब की बात की जाए तो अब तो पेपर लेवल भाई साहब बिल्कुल आसमान के लेवल पर पहुंच गया। अरे भाई जब ऑफलाइन पेपर होता था तो एक पेपर बनाना होता था, तो उसमें क्या करते थे, जो मेन मेन सिलेक्टेड टॉपिक है वहां से क्वेश्चन उठा लेते थे, थोड़ी लैंग्वेज बदल देते थे। आजकल भाई 15 पेपर बन रहे हैं, एक साल में टोटल 30 पेपर बन रहे हैं, क्वेश्चन भी रिपीट नहीं कर सकते, क्वेश्चन भी रिपीट नहीं कर सकते,
पेपर लेवल भी हाई बनाना है तो क्वेश्चन कहाँ से उठाएंगे? जाहिर सी बात है, छोटे छोटे टॉपिकों से क्वेश्चन बनाएंगे, दो चार टॉपिक क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे जो आउट ऑफ सिलेबस होगा, दो चार क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे जो आउट ऑफ सिलेबस होगा, ऐसे ऐसे टॉपिकों से क्वेश्चन बनाएंगे जो बिल्कुल लो लेवल के थे, जिनको हम कभी पढ़ते नहीं है, कभी हम ऐसे सोचते हैं यहाँ से क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, हमें पता ही नहीं है कि टॉपिक भी हमारे सिलेबस में, वहां से क्वेश्चन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको एक साल में 30 पेपर बनाने हैं और वो भी बिल्कुल हाई लेवल के, उसमें भी क्वेश्चन रिपीट नहीं करने हैं, तो जाहिर सी बात है पेपर लेवल बिल्कुल हार्ड होगा, बिल्कुल कंफर्म, बिल्कुल श्योर है, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे कि सर ये केवीएस मैदान, अरिहंत, ऑक्सफोर्ड, दृष्टि, ट्रूमैन, ये हम बहुत पढ़ते हैं, लेकिन यहां से पेपर क्यों नहीं बनता? अरे भाई साहब, इन राइटरों ने, केवीएस मैदान ने बुक लिख दी 4 साल पहले, नया एडिशन निकाल रहा है, कुछ नहीं बदल रहा, केवल उसी बुक को चला रहा है। अरिहंत ने भी 4-5 साल पहले निकाल दी, ऑक्सफोर्ड ने निकाल दी 4-5 साल पहले। अरे भाई साहब, 5 साल पहले पेपर लेवल कुछ और था, आज पेपर लेवल कुछ और है, वो लोग केवल एडिशन में क्या कर रहे हैं, बुक का कवर चेंज, कलर बदल रहे हैं, कभी रेड कलर की बुक दे दी, कभी ब्लू कलर की दे दी, कभी येलो कलर की दे दी, कभी व्हाइट कलर की दे दी। अरे भाई साहब, उसका कंटेंट तो बदलो, क्योंकि पेपर लेवल बदलता जा रहा है। अब ये बेचारे कहाँ से बदले यार, इनको सिलेबस भी कवर रखना है, बुक की मोटाई भी कम रखनी है, पेपर कहीं से आ रहा है, पेपर कुछ भी पूछ रहा है, ठीक है, तो इसमें इनका भी दोष नहीं है। तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा हमें ऐसा लगता है कि यार पढ़े थे, क्वेश्चन आ नहीं रहे यहाँ से, तो इस वजह से लगता है पेपर बड़ा बना रहे हैं वो। क्वेश्चन पहले एक एक दो दो लाइन के क्वेश्चन आते थे, अब 10-10 लाइन का क्वेश्चन आ रहे हैं कि जिससे पढ़ने में टाइम लगे इन लोगों का, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर अब क्या पढ़ें जब इनसे नहीं हो रहा? तो भाई साहब देखो, ऐसी तो कोई बात है नहीं, जब आप इनको सभी को बहुत अच्छे से पढ़ जाओगे ना, शानदार तरीके से इन बुकों से, बुकों को पढ़ जाओगे, पूरा पेपर यहीं से बनता है। बस करता क्या है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल का बना देता है क्वेश्चन को, हमें थोड़ा सा अपना भेजा यूज करना पड़ता है, बाकी पेपर तो यहीं से बनता है, इन्हीं बुकों से, पूरा पूरा पेपर, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता, एक करंट का क्वेश्चन छोड़ दो, बाकी कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाता, यहीं से बनता है, इन्हीं टॉपिकों से उठाता है, बस लैंग्वेज बदल देता है, मैथ के, रीजनिंग के इनमें संख्या बदल देता है, ठीक है। तो इनको अच्छे से पढ़ लोगे तो आराम से बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। पुराने पेपर सोल्व करो, 2020 के, 2019 के, 2018 के, हर क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन पढ़ो, 4 ऑप्शन होते हैं, चारों का अर्थ समझो, बहुत ही शानदार तरीके से जैल्फ हो जाएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन और बना रहता है, वो क्वेश्चन क्या बना रहता है कि सर हमें जैल्फ निकालना है तो हमें फर्स्ट पेपर में कितने कितने नंबर लेके आने चाहिए। देखो ये भी आपका पहले से टारगेट होना चाहिए कि आपको कितने नंबर लेके आने हैं। मैं बता देता हूँ, इतने नंबर का टारगेट लेके चलो, आपका जो सिलेक्शन है बिल्कुल श्योर रहेगा, बिल्कुल भी डर की स्थिति में नहीं रहेगा, बिल्कुल फिक्स रहेगा कि आपका सिलेक्शन पक्का है, ये लेके चलो। आप यदि जनरल कैटेगरी से हो, जैल्फ निकालना चाहते हो, तो फिक्स कर लो फर्स्ट पेपर में 35+ क्वेश्चन सही करने हैं, कम से कम 35 तो सही करने ही है, इससे ज़्यादा ही होने चाहिए। और ध्यान रखना, ये मैं तब बता रहा हूँ जब आपका सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा स्ट्रांग है, आपका सब्जेक्ट कमजोर है तो यहाँ पर आपको स्कोर बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा स्ट्रांग है तो भी आपको इतना स्कोर तो करना ही है, ये ध्यान में रखना आप। तो आप यदि जनरल से हो तो 35+ क्वेश्चनों का टारगेट लो, EWS से हो तो 33+ क्वेश्चनों का टारगेट लो, SC ST से हो तो 30+ क्वेश्चनों का टारगेट ले लो, नेट के लिए जनरल से हो 30+ क्वेश्चन का टारगेट लो, OBC EWS से हो 28+ क्वेश्चन का टारगेट लो, SC ST से हो 26+ क्वेश्चन का टारगेट लो। क्योंकि कई सब्जेक्टों में क्या होता है, मैं सभी सब्जेक्टों को एवरेज बनाया हूँ, कई सब्जेक्टों में क्या होता है ST और SC की कट ऑफ में बिल्कुल थोड़ा सा चिन्ना सा अंतर रहता है, इसलिए मैंने SC ST के जो मार्क्स है बिल्कुल बराबर कर दिए, ठीक है। तो यदि आपका सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है, सब्जेक्ट भी आपका इस लेवल का है, सब्जेक्ट आपका इस लेवल का है, मतलब जनरल कैटेगरी के हैं उनका 70% का सब्जेक्ट है, भाई मैं सब 70%+ नंबर लेके आ जाऊंगा, OBC वाले सोच रहे हैं कि मैं सब्जेक्ट में 66%+ नंबर लेके आ जाऊंगा, EWS वाले भी, जब आपका सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग है तब भाई साहब आपको फर्स्ट पेपर में मिनिमम इतने नंबर लेके आने हैं। यदि आपका सब्जेक्ट कमजोर है तो भाई साहब फिर यहाँ पर आपको ग्रोथ करनी पड़ेगी। और बिल्कुल आसान सा फंडा है, आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से यदि दिन में 4 घंटे पढ़ते हो तो 2 महीने पढ़कर, कितना पढ़कर, 2 महीने पढ़कर, मतलब 240 घंटे पढ़कर आप आराम से इतना स्कोर कर जाओगे।
मात्र 240 घंटे पढ़कर, ठीक है, केवल 240 घंटे पढ़कर आप आसानी से खेलते कूदते हुए इतना स्कोर कर जाओगे, ठीक है। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, मेरे खुद के भी मार्क्स थे इतने, मेरे 74 मार्क्स थे फर्स्ट पेपर में, और मेरे बहुत सारे पिछली बार स्टूडेंट्स के भी बहुत अच्छा स्कोर हुआ था, बहुत सारे जानकार हैं जिनका भी अच्छा स्कोर हुआ था, क्योंकि लोग सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ते हैं, फर्स्ट पेपर को कम टाइम देते हैं। तो यदि कोई कैंडिडेट 12 घंटा पढ़ रहा है तो वो 4-5 घंटे फर्स्ट पेपर को देगा, बाकी 7-8 घंटे सब्जेक्ट को देगा, बिल्कुल जायज सी बात है ये, ठीक है। अब भाई साहब मैं एक छोटा सा आपको बता देता हूँ, आपको अच्छा लगे तो कर लेना, अच्छा नहीं लगे तो वो कर देना, ठीक है। मैं बैच चला रखा हूँ फर्स्ट पेपर का, ठीक है, किसका, फर्स्ट पेपर का, और फर्स्ट पेपर में मेरा टारगेट है कि मेरे सभी स्टूडेंट के 40 प्लस क्वेश्चन सही हो, मतलब 80% प्लस नंबर आए, ये क्या है मेरा टारगेट है। और पिछला जो बैच हुआ था, जो पिछला पेपर हुआ था 2020 में, उसमें 3 कैंडिडेट थे जिनके 40 प्लस क्वेश्चन ठीक थे, मैंने बाकायदा रिजल्ट भी दिखाया था। 20 से 30 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 75% प्लस का स्कोर था, मैंने बाकायदा रिजल्ट का वीडियो बनाया था वो, ठीक है। तो आपको अच्छा लगे, मेरे ऊपर बिलीव हो, थोड़ा विश्वास हो, तो आप मेरा बैच ले सकते हो फर्स्ट पेपर के लिए और ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए। ज्योग्राफी सब्जेक्ट में भी मेरा ये टारगेट है कि मेरे सभी स्टूडेंट के 80% प्लस नंबर आए, ठीक है। तो आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगे, मेरा कॉन्टेंट अच्छा लगे, तो आप बैच ले सकते हो। बैच लेने के लिए आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा 78-91-35-04-70। फर्स्ट पेपर में मेरा पूरा टारगेट है और ज्योग्राफी में पूरा टारगेट है कि 80% प्लस नंबर आए, तब आएगा मजा, ठीक है। अब 80% प्लस नंबर कैसे आए, उसका मेरा पूरा स्ट्रेटेजी है, उसका मेरा पूरा प्लान है, मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ। हमें कौन से टॉपिक को उठाना है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन छोड़ना है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सारी बातें मैं अच्छे से फॉलो करके फिर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब आप ये देखना चाहते हो कि सर मैं आपके बैच के बारे में जानूं कि आप बैच में क्या पढ़ाओगे, किस तरीके से पढ़ाओगे, तो एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को जरूर देखें आप। 100% 80% प्लस का टारगेट है मेरा, और आप यदि 240 घंटे मेरे साथ पढ़ लोगे, गारंटी के साथ है, आप इतना स्कोर कर जाओगे, ठीक है। जो मैं 35 प्लस क्वेश्चन का बताया था ना, वो खेलते खेलते कर जाओगे आप यदि आप 240 घंटे पढ़ लोगे। ज़्यादा नहीं बता रहा, 240 बहुत होता है, 240 घंटे का टाइम, यदि हम सीरियस पूरा माइंड लगा के पढ़ेंगे तो। कैसे, पूरा माइंड लगा के पढ़ेंगे तो 240 घंटे बहुत होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप बैच ले सकते हो, मैं फीस यहाँ पर भी बता देता हूँ, वहाँ पर फीस थोड़ी अलग बताई हुई है। देखो फीस के बारे में बात करूँ, यदि फर्स्ट पेपर के लिए लेते हो तो फीस 400 रुपये, और यदि आप ज्योग्राफी के लिए नेट के लिए लेते हो तो फीस 500 रुपये। ज्योग्राफी की फीस 500 रुपये, नेट के फर्स्ट पेपर की फीस 400 रुपये। नेट के फर्स्ट पेपर का बैच लेते हो तो बता देता हूँ, एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, एक भी पुराने पेपर की किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। आउटसाइड से क्वेश्चन आते हैं आजकल, टीक परीक्षण से आ गया, जेड परीक्षण से आ गया, काई स्क्वायर टेस्ट से आ गया, प्रतिचयन सैम्पलिंग से आ गया, इसके अलावा प्रायिकता से आ गया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे सारे मैं करवा दूंगा। आगमन निगमन से आ रहा है, सादृश्य मूलक से आ रहा है, सादृश्यता से आ रहा है, तो जो आउटसाइड से क्वेश्चन बनते हैं, जो करंट से क्वेश्चन बनता है, वो सारे के सारे कवर कराऊंगा। रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, DI, ये आजकल SSC CGL के लेवल के आने लग गए, तो मैं बिल्कुल 0 लेवल से लेकर बिल्कुल CGL के लेवल तक पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो आप बैच ले सकते हो, आपको बहुत अच्छा लगे तो, और सीरियस होके जबरदस्त तरीके से पढ़ाई में लग जाओ। मात्र फर्स्ट पेपर को 240 घंटा पढ़ना है, ठीक है, 240 घंटे पढ़ लोगे आराम से, बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे, ये बिल्कुल रियलिटी है। बहुत होते हैं 240 घंटे, बहुत होते हैं, बहुत, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, मेरे प्यारे साथियों, थैंक्स देखने के लिए, बाय।